सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। सीता और गीता दो पार्टनर है फर्म के अंदर। 1 अप्रैल 2011 को एडमिट करते हैं नेहा को और पार्टनर बना लेते हैं 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए इन द फॉर्म। ठीक है, अगर नेहा नई पार्टनर आएगी कितना शेयर लेगी? 1/3। तो टोटल शेयर यदि कितना होएगा? एक शेयर है उसमें से 1/3 कौन ले जाएगी? नेहा ले जाएगी। तो बाकी कितना रह जाएगा? 3 और एक, 3 माइनस 1 तो कितना रह जाएगा? 2/3 जो रिमेनिंग शेयर रह जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? पार्टनरशिप डीड कहती है ये प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका कहीं गिवन? कहीं भी गिवन नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि दोनों का इक्वल शेयर है। तो रह जाएगा कितना? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/6। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो 1/3 किसका है? नेहा का है। 1/3 किसका है? ये गीता का है। और 1/3 किसका है? सीता का है। ठीक है, 1/3 1/3 मतलब कितना हो जाएगा? सभी का रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर 1/3 है। ठीक है, लिखा है 5% न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई गई है। प्रोवाइड क्या क्या करती है? 5% कहता है जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होएगा डोनेट कर देंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए, कर देंगे भाई। 10% कहता है ट्रेडिंग प्रॉफिट कहाँ डोनेट कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर डोनेट कर देंगे। कहते हैं जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको प्रोवाइड करेंगे और वो भी डिस्काउंट देके 15% मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो एमआरपी रेट है उससे 15% डिस्काउंट पे करेंगे। कहता है न्यू हमने रिटेल शॉप भी खोलनी है। कहाँ पर ओपन की है? बैकवर्ड एरिया, इस प्रकार का स्लम एरिया जहाँ पर गरीब पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट कहता है न्यू रिक्रूटमेंट जो सेल्स पर्सन लेके आने हैं वो भी विल बी रिजर्व किसके लिए रखे हैं? गर्ल्स के लिए जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, शेड्यूल कास्ट से, एससी से या शेड्यूल ट्राइब से, एसटी से। कहती है ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म फुल ईयर का अगर हम बात करें 31 मार्च 2012 का 12 लाख हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है, 4 वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सी सीता गीता और नेहा के माइंड में है जब वो प्रिपेयर कर रही है पार्टनरशिप डीड। और आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के दिखाना है। तो हम तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे। सीता है, गीता है और नेहा है। सीता, गीता और नेहा। प्रॉफिट कितना है इनका? 1 12 लाख। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12 लाख। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? 5% कहाँ? रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए दे दो। टू रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, कितना देना है? 5%। तो 12 लाख का कितना हो जाएगा? 12 लाख का कितना लेना है हमें? 5%। 2 0 काट दो तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 12,000। कितना देना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, सेकंड कहता है 10% कहाँ देना है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कितना देना है? 10%। 12 लाख का 10% कितना हो जाता है? 1,20,000। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? ये रिटेल प्राइस पे बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो प्रॉफिट कितना था? 12 लाख। 12 लाख में से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो आप? 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। 12 लाख में से आप डिस्ट्रीब्यूट कितना कर चुके हो? 1,80,000। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 10,20,000। ये कितना है? 12 लाख। और ये भी कितना है? 12 लाख। और ये डिस्ट्रीब्यूट किसने करना है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसके अकाउंट में? सीता, गीता और नेहा के अकाउंट में, 1:1 में। डिवाइड किससे करोगे? इसको डिवाइड करोगे आप 3 से। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका? 3,40,000। ठीक है, 3,40,000, 3,40,000 और 3,40,000। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? बाय कैपिटल दे रखी है इनकी, बाय बैलेंस बी डी। कैपिटल तो कुछ दी नहीं क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना आएगा? 3,40,000, 3,40,000 और 3,40,000, ये भी कितना हो जाएगा? 3,40, 3,40 और ये भी कितना हो जाएगा? 3,40, ये भी 3,40, 3,40 और ये भी 3,40। यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 3,40, 3,40 और 3,40। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब कहते हैं जी, इसके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनके ऊपर कंसीडर किया है? एक तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वैल्यू है कि सभी को इक्वल ट्रीट करने के, इक्वल एक बेस पे लेके आने के लिए काम किया गया, इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम करने के लिए, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रोग्राम डेवलप किया गया, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम किया गया, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया गया, म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए काम किया गया, इक्वालिटी के लिए काम किया गया, हार्मनी किस तरह से मेंटेन करनी है सोसाइटी में इसके लिए काम किया गया, और जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको हटाने का प्रयास किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए गए इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।